वैदिक गणित ट्रिक्स टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर विद इन सेकेंड्स। बेटा आप लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी आपको आना चाहिए, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए बेटा आप लोगों को 10 तक क्यूब आने चाहिए। अभी क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। हमने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर है 10648। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से वन पोजीशन से स्टार्ट करते हुए आप तीन नंबर का एक पेयर बनाएंगे और पीछे वाले जितने भी नंबर हैं उनका एक पेयर बना लेंगे, जितने भी हैं। तो हमने 648 का एक पेयर बना लिया, 10 दूसरा पेयर बना लिया। अब जो आपके पास बड़े 648 है, आपने इस यूनिट डिजिट को देखना 8, यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कहाँ पर यूनिट डिजिट में 8 दिख रहा है। यूनिट डिजिट 8 कहाँ दिख रहा है, 2 क्यूब में 8 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका 2। इस जो हमने इस पार्ट की कैलकुलेशन करी, 2 2 4 2 8, हमने देखना 8 यहाँ पर है, तो हमने यहाँ ढूंढना है 8। 8 कहाँ पर है, यहाँ है। किसका क्यूब रूट है, 2 का, तो यहाँ तो आएगा 2। अब पीछे बच गया 10, आपने देखना है कौन से क्यूब रूट के पास 10 आ रहा है। तो देखिए 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27। अब आपने ऐसा नंबर लेना है, ऐसा क्यूब देखना है, 10 से वो पास होने चाहिए, 10 से बड़े नंबर का क्यूब नहीं होना चाहिए। 3 क्यूब इज 27, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि 10 से बड़ा हो गया। अब 2 क्यूब इज 8, तो हमने यहाँ 2 चूज़ किया क्योंकि 2 क्यूब इज 8 और जो ये 2 क्यूब है ये 10 के पास है, तो यहाँ भी आएगा 2। सो जो हमारे पास ये 10648 है बेटा, ये किसका क्यूब है, 22 का। यहाँ देखिए इसका जो आंसर है वो भी है हमारे पास 22। लेकिन ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला लेंथी मेथड है क्यूब रूट फाइंड आउट करने का, और वैदिक गणित में इजी मेथड्स हैं। देखो बेटा मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने इसके प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 11 11 और 11। ये जो नंबर है 2 2 2 11 11 एंड 11, प्राइम फैक्टर्स आ गए। हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वेयर रूट में हम लोग दो दो की पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट में तीन तीन की पेयरिंग करते हैं। यहाँ से एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 11 लेंगे, सो 11 2 ज़ा 22। सो इस नंबर का क्यूब रूट कितना है, 22। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि इस तरह से वैदिक गणित मेथड का यूज करते हुए इस नंबर का क्यूब रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नंबर है हमारे पास 175616, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। नंबर आप लिख लीजिए 175616, ये नंबर है। इसको मैंने बोला दो हिस्सों में बांटना है, सबसे पहले 1 10 100, तीन का आप लोगों ने एक पेयर बना लेना है और लास्ट में जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। तो हमने पहले तीन नंबर का एक पेयर बनाया, यहाँ हमने एक अलग से पेयर बनाया। अब आप देखिए 6 यहाँ से क्या लेंगे, यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पर देखिए 6 किसके क्यूब रूट में आ रहा है, 6 देखिए 6 यहाँ 216 में आपको 6 दिख रहा है। अब ये 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह तो बेटा आएगा 6। अब जो आपके पास है ये 175 देखिए आप कहाँ पर आपको दिख रहा है, 175 125 260, तो 125 से ये बड़ा है और 216 से 175 नंबर छोटा है। लेकिन मैंने बोला आपने ऐसे नंबर का क्यूब चूज़ करना है जो इस नंबर से क्या हो, छोटा हो। तो हम लोग 6 क्यूब 216 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 5 क्यूब 125 175। यहाँ पर नंबर ढूंढिए, 175 किस नंबर के पास है, 125 से थोड़ा बड़ा है, 216 से छोटा है। लेकिन 216 6 क्यूब यहाँ हम 6 नहीं लेंगे क्योंकि हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, हम लोग लेंगे 5 क्यूब इज 125। सो यहाँ पर हम लोगों को बेटा क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 5। सो 56 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखना चाहते हैं तो हमने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स को यहाँ आप लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर्स को लिख लिया, 2 2 2 आ रहा है, फिर 2 2 2 आ रहा है, फिर से 2 2 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर 3 बार 7 आ रहा है। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, पेयरिंग कर लीजिए आप तीन तीन की, क्यूब रूट लगा रहे हैं तो यहाँ आपको 3 लिखना है, स्क्वेयर रूट में 2 लिखते हैं, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक और 2 आ गया, यहाँ से एक और 2 आ गया और यहाँ से आ गया 7।
ये क्यूब रूट हट जाएगा तो 2 2 4 2 8 8 7 56। तो जो हमारा नंबर है इसका क्यूब रूट कितना आ गया 56। प्राइम फैक्टराइजेशन एक लेंथी मेथड है, लेकिन जो आपका वैदिक गणित टेक्निक है वो एक इजी मेथड है। अब हम देखते हैं कि इस नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है। नंबर लिख लीजिए 91125। वही वाला मेथड, पहले तीन नंबर्स का एक पेयर बनाया और उसके आगे जो बचे हुए नंबर हैं उनका पेयर बना लिया। 125 देखिए 5 किसके क्यूब में आता है, 5 किसके क्यूब में आता है, सिर्फ यहाँ पर 125 में आपको 5 दिख रहा है। तो किसके क्यूब में 5 आया, 5 के क्यूब में, तो इसकी जगह तो आ जाएगा आपका 5, इतना वाला पार्ट आपका सॉल्व। यहाँ आपका कितना बचा है, 91 बचा है। अब 91 आप देखिए 91 नंबर किसके पास है, 64 से बड़ा है और 125 से क्या है, छोटा है 91। लेकिन 125 हम लेंगे नहीं, हमने बड़ा नहीं लेना, हमने छोटा वाला क्यूब लेना है। तो 4 का क्यूब है 64, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। फिर से देख लीजिए 91, यहाँ पर आप देखिए कि 91 कौन से नंबर के पास है, 64 से तो बड़ा है और 125 से छोटा है। तो हम लोगों ने 125 बड़े वाला नंबर नहीं चूज़ करना है, यहाँ से हमने छोटा नंबर चूज़ करना है 64 से थोड़ा बड़ा है 91। तो हम किसका क्यूब लेंगे, 4 क्यूब, मीनिंग हम यहाँ पर हमें लिखना है 4। तो हमारे पास इस नंबर का क्यूब रूट क्या आ गया, 45। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैथ साइंस के कंप्लीट वीडियो देखने के लिए चैनल SSC प्रेपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।